नमस्कार, मेरा नाम अर्जुन अत्री है। मैं हिमाचल प्रदेश के जिला सिरमौर के गांव पराड़ा का रहने वाला हूं और पिछले 3 वर्षों से सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती कर रहा हूं। और आप इस खेत में देख सकते हैं, इस खेत में मुख्य फसल हमारी सेब की है और ये अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटेशन जो उच्च घनत्व बागवानी है उसके तहत मैंने इसमें सेब के पौधे M9 और M111 रूट स्टॉक पर रोपे हैं। और इसमें मिश्रित खेती में मैं लहसुन की फसल दे रहा हूँ। इसमें मैंने अभी आलू भी लगाया था। आलू लगभग इस खेत में से 50 किलो के करीब, ये 8-10 बिश्वे का खेत है आधा बीघा का, तो लगभग इससे 85 किलो के करीब हमें 45-50 किलो आलू मिला है 2.5 करेट। और अभी इसमें सरसों और कुछ धनिया और इस तरह की चीज़ें भी हमने इसमें रोपी है। और जो हम पिछले कुछ वर्षों से प्राकृतिक खेती 3 वर्षों से कर रहे हैं उससे क्या परिणाम आया है उसके लिए हम आपको ये देख सकते हैं। कहीं पर भी अगर हम हाथ मारते हैं तो देसी केंचुए की जो गतिविधि है, और अगर और अच्छे से देखें यहाँ पर बहुत अधिक मात्रा पर देसी केंचुए है। ये प्राकृतिक खेती में हमारा मुख्य जो रहता है वो मल्चिंग का, आच्छादन का बहुत रोल है। और आच्छादन के नीचे आप देख सकते हैं मित्र कीट किस प्रकार हमारे कार्य करते हैं, और ये पूरी दानेदार ग्रेनुलर्स में और नमी को भी बनाए रखते हैं, और जो भी हमारे पोषक तत्व की फसलों को आवश्यकता रहती है उसको पहुंचाने में मुख्य कार्य करते हैं। और उसके साथ साथ प्राकृतिक खेती में हमारा जो मुख्य मिश्रित खेती का रहता है, हम जो भी फसल लगाएं उसको मिश्रित रूप में लगाएं और समाज को जहर मुक्त भोजन, जहर मुक्त थाली की दिशा में ले जाने के लिए सभी किसान भाइयों को इस ओर आने की आवश्यकता है। और धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे जो जागरूक और कॉन्शियस कंज्यूमर्स है, ग्राहक हैं, वो लोग जब हम उनसे अप्रोच कर पाएंगे तो हमें बाज़ार में मूल्य भी अच्छा मिलेगा इन प्राकृतिक उत्पादों का। हिमाचल में हम लोगों का यह सौभाग्य है कि हमारी ना केवल जो किसान प्राकृतिक खेती करना चाहे वही पर अपितु सरकार भी इस ओर बहुत अच्छा इनिशिएट ले रही है। और हिमाचल सरकार ने सुभाष पालेकर प्राकृतिक खेती SPNF एक पूरा प्रोजेक्ट आत्मा विभाग के माध्यम से चला रखा है। और उस प्रोजेक्ट के माध्यम से हमारे राज्य कार्यकारी निदेशक डॉक्टर राजेश्वर चंदेल जी और हमारे पूरे जिला स्तर की प्रोजेक्ट डायरेक्टर DPD ATM BTM एक पूरी टीम है जो कि हम लोगों को समय समय पर ट्रेन करने के लिए, हम लोगों को जो ट्रेनिंग्स प्रोग्राम्स इसके लिए आयोजित करने हैं उन सब की के माध्यम से प्रशिक्षण देती है। और जिसके माध्यम से हम प्राकृतिक खेती में बारीकी से क्या क्या चीज़ें हमें करनी है और फसल की रोग के अवस्था से जैसे कीटनाशक के लिए हमें किन किन द्रव्यों को जैसे अग्निअस्त्र ब्रह्मास्त्र आदि को कैसे बनाना है, ऐसे ही जो हमारे टोनिक रहते हैं प्राकृतिक खेती में जीवामृत बीजा जीवामृत घन जीवामृत वो कैसे बनाने हैं, फंगस के रोगों के लिए सूखी कंडी और सौंठास्त्र और इन सब द्रव्यों को कैसे उपयोग करना है, तो है सब प्रशिक्षण समस्त राज्य स्तर पर हिमाचल सरकार दे रही है। उसके लिए भी हम सभी किसानों को उस लाभ का उचित फायदा उठाना चाहिए, तो सभी किसानों को इस ओर आने की आवश्यकता है। और जिस प्रकार आज कैंसर, शुगर और मधुमेह, मोटापा, हार्ट के रोग और अनेकों प्रकार के रोग बढ़ते जा रहे हैं, उन सब चीज़ों को देखते हुए हम सभी को आहार को शुद्ध करने की दिशा में इस प्राकृतिक खेती को अवश्य अपनाना चाहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।